जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक और जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये जो जन्म कुंडली है सुमन छेत्री जी की है। सुमन छेत्री जी, आपने जो डिटेल दिए उसका मैच कीजिए। 21/7/1983 बर्थ डेट, 9:50 PM रात्रि का जन्म है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल बर्थ पैलेस है। नौकरी में प्रमोशन, फैमिली लाइफ, मकान और वाहन का सुख कैसा रहेगा, ये प्रश्न किए हैं आपने। मीन लग्न की कुंडली है, लग्न के स्वामी गुरु भाग्य भाव में चंद्रमा और केतु के साथ विराजमान। राशि आपकी वृश्चिक है। अभी 7:30 जनवरी में खत्म हुई है वृश्चिक राशि। अष्टम में राहु गोचर कर रहे हैं तो काफी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। राहु अष्टम भाव में क्रूर ग्रह आ जाता है तो पूजा पाठ में आप करते हैं या तो मांगलिक काम होते नहीं है। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसका मतलब जो फल है वो मिलेगा ना के बराबर, करने नहीं देता अष्टम भाव। हमारी गुप्त भावनाओं का है, गुप्त विचारों का भाव होता है। तो बात करते हैं, शनि आपके उच्च के हैं अष्टम भाव में तुला राशि के हैं। जब इनकी दशा या महादशा आएगी तो आपको हर चीज तिगनी या चौगुनी मिलेगी। बात करें 9 डिग्री का आपका लग्न है, ये यहाँ थोड़ा सा कमजोर है तो इसको आपको मजबूत करना है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरे के घर का भोजन नहीं करना है। दौड़ धूप, मेहनत, योगा प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। शरीर को जितना मजबूत रखेंगे, शरीर जितना मजबूत होगा, आत्मबल जितना मजबूत होगा, लग्न उतना मजबूत होगा और जो भी आपके मतलब अच्छे ग्रह हैं वो जो फल देंगे वो ज्यादा अच्छा देंगे। हर चीज में तरक्की हो जाएगी सिर्फ लग्न और लग्नेश के मजबूत होने से। लग्नेश आपका मजबूत स्थिति में है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो उसका फायदा लेना है तो आपको लग्न मजबूत करना होगा, दौड़ धूप मेहनत आपको करनी होगी। बात करते हैं, पाया आपका रजत का है तो बहुत अच्छा है। योनि मृग की गण राक्षस के हैं। राक्षस गण होने से मतलब ये है कि एक बार आपने ठान लिया तो आप उसको पाकर छोड़ेंगे, ये राक्षस गण वालों की खासियत होती है, सोच लिया वो करके जरूर रहेंगे। योनि मृग की है तो थोड़ा सा सावधान रहें, सोच समझ कर, घर वालों से समझ कर फैसला लें, बैठ कर फैसला लें और हर किसी के बहकावे में ना आए। मृग योनि का ये थोड़ा सा असर है। चंद्रमा की महादशा चली हुई है 19/8/2028 तक, मतलब पंचमेश की। संतान सुख की, शिक्षा की, विवाह की, महाभाग्य की, लेकिन राहु की अंतर्दशा चली हुई है 19/7/2021 तक। राहु को भी गोचर में मिथुन राशि में उच्चा चला हुआ है, उसका परिणाम आप जानते ही हैं, पूरा देश अभी लॉकडाउन में है, पूरा विश्व मुक्त है, साक्षर ग्रह है। और मीन लगन आपका जो गुरु स्वामी है तो आप जानते हैं परम शत्रु होते हैं, तो ये परेशानी मतलब कोई ना कोई अड़चन या परेशानी कर रहा होगा। अभी तक तो 7:30 थी, अभी पिछली साल से ये परेशानी कर रहा है, नहीं तो अब तक आपका प्रमोशन हो चुका क्योंकि गुरु धनु राशि से भी निकले अपने घर के थे, वो तो दया की बात है। चलो ठीक है, तो प्रमोशन के लिए आप अभी से लग जाइए क्योंकि राहु जैसे सितंबर में चेंज करेगा तो उस समय आपको बहुत कुछ देखा जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ आपको मेहनत करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, रणनीति बनानी है, सूर्योदय से पूर्व उठना है, खुद को मतलब इतना लायक बनाना है कि आपको मिलके ही रहेगा वो। सितंबर के बाद प्रबल चांस है आपके प्रमोशन के। अब बात करते हैं, राहु है
नेगेटिव विचार तो देगा ही देगा। चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा पर इसकी दृष्टि है, लग्नेश पर दृष्टि है इसकी, तो ये समस्याएं खड़े करेगा। आप कितनी मेहनत से काम कर रहे हो उसका रिजल्ट ये बहुत कम दे देता है। अभी गुरु नीच के चल रहे हैं, थोड़ा समस्या अवश्य आएगी। मकान वाहन का सुख आपने बोला है, आपको हर चीज मिलेगी, सिर्फ 19/7/2021 तक आपको रणनीति बनाकर सोच समझकर काम करना है, भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है, कर्म करना है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगले साल से जैसे ही राहु की ये अंतर्दशा का पीरियड पूरा होता है, आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, आपके अनुसार काम होना शुरू हो जाएगा, जीवन में हर तरह की आपको मिलेगी। और भी काफी तरीके आपके पास रहेंगे, नौकरी के अलावा भी आप बहुत कुछ करकर धनार्जन करेंगे, और मकान वाहन का सुख भी आपको मिल रहा है अगले साल के, जैसे 2021 सितंबर या अक्टूबर महीना पूरा होता है उस टाइम के बाद से आपको हर चीज मिलनी शुरू हो जाएगी। बात करें अब आपको करना क्या है, यदि आप प्रमोशन जल्दी पाना चाहते हैं या आपको जो भी मतलब समस्याएं आ रही हैं वो दूर कैसे होगी, तो आपको शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना है। शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ कब करना है, कैसे करना चाहिए, ये वीडियो मैं डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं, देख वीडियो देख कर ही आप शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करें, तभी पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। शिवलिंग पर आपको जल दूध चढ़ाना है, मतलब भोलेनाथ जी की आपको सेवा करनी है, इसका भी मैं वीडियो डाल चुका हूं कि शिवलिंग पर जल या कोई भी चीज हम अर्पित करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, कितना जल अर्पित करना है, क्या क्या चीज उनको चाहिए। काली ती दूध में मिलाकर, थोड़ा सा दूध में मट्टी के बर्तन में काला तिल और दूध गो माता को आप मिलेगी, राउट बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। कुत्ते को रोटी डालने की आदत डालें, चंद्रमा की महादशा चली हुई है, दूध दही इन चीजों का आप सेवन कीजिए, माता जी की माँ की सेवा कीजिए, पूर्णिमा का व्रत रखिए, चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए, जल से अर्घ दीजिए, इससे चंद्रमा शुभ होगा, मतलब आपको हर चीज मिलेगी, सिर्फ एक साल की रुकावट है, इसके बाद में सब कुछ होगा आपके अनुसार होगा। चंद्रमा है साथ में राहु की अंतर्दशा, तो चंदन हो तो चंदन, केसर हो तो केसर, या फिर हल्दी तो सबके घर में होती है, हल्दी का तिलक करें, इससे राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। गोमूत्र का सेवन अगर आप सुबह पहले करते हैं तो भी भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा, आपका 25-40% भाग साथ देने लग जाएगा। नखून आदि काट कर रखें, जितना हो सके साफ सफाई रखें, खुद भी साफ रहें, घर की भी सफाई रखें, मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए घर में, लैट्रिन बाथरूम है वहां देखिए आप सफाई रखें। लग्नेश गुरु है, लग्न का स्वामी गुरु है, अभी नीच का है, पूरी उम्र अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो जितने भी आपके बड़े हैं उनके सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, और धर्म कर्म में रुचि रखिए, शिव जी के मंदिर में जाकर सफाई करिए, सेवा कीजिए, काले तिल उनको अर्पित कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में जो भी आपने सोचा है वो किस तरीके से पूरा होता है। ये सिर्फ ये आपको करना है, साधारण उपाय है, कोई पैसे खर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, सोमवार को, शिवरात्रि को, सावन के महीने में भगवान शिव को आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, उनकी सेवा आपको अद्भुत लाभ देगी। आंवले का सेवन
आप करें। आंवले के ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखा है, क्योंकि गुरु के स्वामी नारायण भगवान होते हैं। आंवले का भी सेवन करेंगे तो भी राहु कमजोर हो जाएगा और आपको अद्भुत फायदा मिलेगा। आंवले के सेवन से, आंवले के भोग लगाने से भगवान नारायण परम प्रसन्न होते हैं। तो सिर्फ आपको इतना करना है, फिर देखिए जीवन में आनंद ही आनंद। अगर आप कोई भी समस्या है तो फोन नंबर है, आप फोन करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी समस्या है। नहीं समझ में आया हो तो, और समझ में आया हो तो कमेंट अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फेसबुक पेज पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। फिर मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।